विशाल, एक तो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, दूसरा यह कि आज किसानों का दिल्ली कूच पार्ट टू है, करीब 50,000 के आसपास किसान आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ये भी जानकारी है। और साथ ही इस हाईवे पर फिलहाल स्थिति क्या किसानों के आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो किस तरह जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कल अमृतसर से ये काफिला चला था और कुछ ट्रैक्टर्स जो हैं वो आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ जो शाहबाद जो कुरुक्षेत्र है वहां पर ये रुक गए थे और उसके बाद जो है आज सुबह ये काफिला जो है वो शुरू हुआ है। करीब 3 किलोमीटर तक ये जो काफिला है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये काफिला जो है आपको नजर आएगा। और जिस तरह से हमने किसानों से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक केंद्र सरकार इन कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है तब तक जो है वो वहां पर आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से आंदोलन का जो आकार है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है करीब 30,000 किसान जो है जिन्होंने दिल्ली का रुख किया है, 500 से 700 ट्रैक्टर जो है वो इस काफिले में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आह्वान किया गया उसके चलते आप देख सकते हैं कि करीब 3 किलोमीटर तक जो है ये काफिला है और 500 से 700 ट्रैक्टर जो है इस जत्थे में शामिल है। और किसानों का ये भी कहना है कि अगर आह्वान और किया गया तो जो पंजाब में जो किसान है वो भी जो है दिल्ली का रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आकार बढ़ाने की बात कही गई है आंदोलन को आगे और आकार ये तस्वीरें जो आपने दिखाई दिल्ली का ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये ट्रैक्टरों का जो रेल आपको दिखाई दिया, जो ट्रॉलियों का रेला दिखाई दिया है, जहां पर विशाल मौजूद है, ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसान मौजूद हैं, करीब 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान आज पहुंच रहे हैं खाने पीने का सामान और पूरी पुख्ता तैयारी के साथ, इसलिए कि इस आंदोलन को और तेज धार दी जा सके।